भाई ये क्या है पॉपकॉर्न? कलरफुल कलरफुल पॉपकॉर्न तो मैंने पहली बार देखे हैं भाई। ये देखो मल्टी कलर के हैं और एक ये थोड़े येलो कलर के हैं। तो हर क्वालिटी का अंडा होता है, छोटा बड़ा साइज़ के हिसाब से इसके अंडों के रेट होते हैं। और अंडों की वैरायटी की बात करूँ, देखो देसी अंडे भी आ गए, हमारे यहाँ तो देसी अंडे बोलते हैं इसको। भाई मेरे हाथ के बराबर टमाटर है, इसका टेस्ट मुझे नहीं पता कैसा होगा। और इसका रेट है ये रहा 1650 टेंगे पर केजी का रेट है इसका। अरे वाह भाई वाह, ये मज़ा आ गया। देखो रेडी टू ईट, सीधा जाके कुक करना है, मसाला वसाला ग्रेवी सब कुछ लगा रखी है इसके ऊपर। भाई घोड़े ऐसा बनना है तो घोड़े का दूध तो पीना पड़ेगा ना आपको। ये देखो ये घोड़े का दूध है, 1 लीटर है भाई, 1050 टेंगे का। ओ भाई टमाटर का भी, टमाटर और खीरे का एक साथ अचार। भाई मैंने इन मोहतरमा से पता किया है, ये सारा रेडी टू ईट है, आप यहाँ पे ना खा सकते हो। ये मतलब ऐसा ठंडा नहीं है जो फ्रोजन वाला। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। मैं हूँ अभी कजाकिस्तान के शहर अल्माटी में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो यार पिछली वीडियो जरूर जाके देख लेना। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे कजाकिस्तान के अल्माटी शहर की सबसे बड़ी रिटेल चेन में, ग्रोसरी चेन भी बोल सकते हो, जिसका नाम है मैग्नम। ये आपको आइडिया देगी कि कजाकिस्तान अगर आप आ रहे हो रहने के लिए, स्टूडेंट आ रहे हो या कुछ दिन के लिए आ रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा कजाकिस्तान कितना महंगा है कितना सस्ता है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना, सारे प्राइस आपको बताऊँगा, रोज़मर्रा की चीज़ों के प्राइस बताऊँगा आपको। मैगी, टूथपेस्ट, दूध, अंडे, ये सब जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो सब आपको रेट वाइज मैं बताऊँगा कि इंडिया के बराबर है या इंडिया से महंगा है। तो हम इंडियंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं फिलहाल ये, क्योंकि इंडिया में प्राइस बताऊंगा आपको। इंडिया का जो 1 रुपया है वो यहाँ पे आके 5.5 टेंगे हो जाता है, तो टेंगे में प्राइस होंगे सारे, आप उसको डिवाइड बाय 5 कर लेना, इजी रहेगा। 5.5 की जगह आप 5 से कर लेना तो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि करेंसी भी फ्लक्चुएट रहती है, 5-5.5 के आसपास रहती है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे बड़ी मैग्नम यहाँ पे आउटलेट है उस पे लेके चल रहा हूँ, थोड़ा प्राइस का आइडिया हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे अगर प्राइस वाली तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पिछली वाली सारी वीडियो भी देख लेना मेरी सीरीज की। तो चलते हैं, बस कौन सी जाएगी, कौन से स्टॉप से जाएगी, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरी ध्यान से देखना। तो अभी मैं हूँ दोस्ती प्लाजा के सामने, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मॉल है, इसकी वीडियो भी देख लेना भाई मेरे चैनल पर। और ये अभी हमें जाना है इस तरफ, ये 99 वाली बस है ये जाएगी और एक 98 वाली बस जाएगी, जो मैं एक बस चेंज करनी पड़ेगी, पहले 99 में बैठना है फिर उसके बाद 98 में बैठना है, फिर हम पहुंच जाएंगे मैग्नम में। तो वहां जाके मैं आपको बताता हूं क्या रेट, क्या सब कुछ किस रेट पे आपको मिलेगा। दिन हो या रात, भाई रोड के रूल्स को फॉलो करते हैं भाई लोग, यहां पे ट्रैफिक रूल फॉलो किया जाता है। देखो सामने रेड हो रही है तो कोई भी ना तो वहाँ से आ रहा है और ना यहाँ से कोई जा रहा है, देखो सब यहाँ खड़े हो गए हैं लेकिन कोई जा नहीं रहा है। और ये भी भाई सब भी देखो खड़े हुए हैं, मतलब किसी को जल्दी नहीं है, ट्रैफिक रूल कोई तोड़ता नहीं है। अब देखो ग्रीन राइट हो गई तो अब सब यहाँ से पेडेस्ट्रियन से क्रॉस कर रहे हैं भाई पैदल। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है भाई, बाहर की कंट्री होगी मतलब ट्रैफिक रूल बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं यार, उससे क्या है एक तो एक्सीडेंट में भी कमी आती है और थोड़ा रूल भी फॉलो होता है तो थोड़ा सा सही रहता है यार कंट्री के लिए भी। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग कितना यूज़ करते हैं। देखो 3-3 यहाँ पे आपको बस स्टैंड मिलेंगे और तीनों भाई उससे कवर हैं शीशे से, ताकि यहाँ पे क्योंकि स्नोफॉल भी होती है ना यहाँ पे, देखो ऊपर भी स्नो पड़ी है अभी, इसके ऊपर तीनों में स्नो पड़ी है और अंदर आप खड़े रहोगे तो ठंड से भी बचोगे। तो भाई गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी ध्यान देती है अपने सिटीज़न पे और लोग भी भाई रूल को फॉलो करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने देखी कि मेरे सामने अभी तक किसी ने भाई रेड लाइट क्रॉस नहीं करी है, पैदल वाले ने क्या, गाड़ी वाले ने भी किसी ने नहीं करी भाई। अभी रात के 8 बज रहे हैं यहाँ पे अल्माटी में और मैं सेफ्टी के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ भाई, अभी 98 नंबर बस आ गई, पहले इसमें पकड़ूँ तो लेट हो जाऊँगा जल्दी से। ये देखो भाई शानदार नाइट लाइफ है भाई यहाँ की भी, अराबीज फूड एंड चिल आउट है भाई साहब, कितना बेहतरीन बना रखा है। देखो मतलब यहाँ पे ना छोटे छोटे स्टॉल नहीं दिखेंगे आपको। अब हाँ वुमेन सेफ्टी की बात कर रहा था मैं आपको, यहाँ रात को जो है ना लड़कियाँ आराम से घूमती हैं, लड़के लड़कियाँ सब घूमते हैं, मतलब 24 आवर यहाँ पे सेफ्टी है, मतलब ऐसा नहीं है आप रात को नहीं निकल सकते। मेन देखो मेन कंसर्न होता है लेडीज़ का, गर्ल्स का। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि भाई बहुत ज़्यादा लड़कियाँ और लेडीज़ बाहर निकलती हैं काम करने के लिए और पढ़े लिखे लोग हैं सारे, और यहाँ का जो सेफ्टी इंडेक्स है ना वो काफ़ी ऊपर है भाई, यहाँ पर सेफ्टी की कोई परेशानी नहीं है, 24 आवर्स सेफ्टी है यहाँ पे भाई।
भाई बात करते करते सामने आ गया मैग्नम। अब इसके अंदर चलेंगे, देखो बाहर से तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है और 24 आवर्स है भाई ये मैग्नम, 24 घंटे खुलता है। इतना बड़ा मॉल, मतलब इतना बड़ा मॉल कह लो, आउटलेट कह लो, मतलब एक से बढ़कर एक चीज़, सारी चीज़ मिलेंगी आपको इसके अंदर। अभी अंदर चलते हैं, एंट्री करके फिर दिखाता हूँ मैं आपको कितना बड़ा है। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी हो रही है कि 24 आवर इतना बड़ा मॉल खुला रहता है भाई। ये सामने से देख लो मैग्नम, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ आपको मिलेगा अंदर एक छत के नीचे। अब यहाँ से करते हैं एंट्री, और इसमें कौन कौन सी ब्रांड आपको मिलेगी, इंडियन ब्रांड कोई सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सब कजाकिस्तान की ब्रांड है, वो सब अंदर चल के आपको मैं दिखाने वाला हूँ। भाई एंट्री के गेट हैं, देखो हम सेंसर वाले गेट हैं, और उस पर भी ऐड चल रहा है, देख रहे हो, वो भी स्लाइड होकर बंद हो रहा है, उसमें भी LCD स्क्रीन लगाई हुई है। अब देखो मैं अंदर जाऊँगा तो गेट खुल जाएगा अपने आप ही। देखो एक गेट ये खुला, उसके बाद अंदर दूसरा गेट ये खुलेगा। अब यहाँ जाके अंदर दिखाते हैं भाई कितना बड़ा मॉल है भाई। देखो लेस तो हर जगह मिल ही जाता है। तो भाई अब चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ का नज़ारा आपको कराते हैं कि कितना बड़ा है भाई ये। सब ऑटोमेटिक गेट खुले जा रहे हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ अपनी जानी मानी ब्रांड से। चलो एरियल से ट्राई कर लेते हैं भाई। एरियल का छोटा वाला सेशे नहीं दिख रहा है भाई। एरियल चलो ये वाला देख लेते हैं भाई। 1.5 किलो का है भाई ये 1.5 किलो का है, और इसका प्राइस है 2490 टेंगे, डिवाइड बाई 5 कर लेना भाई। तो ये रेट का आपको यहाँ पे एरियल मिलेगा। तो इससे सिमिलर ही सारे वॉशिंग पाउडर मिलेंगे आपको। एक टाइड भी मिल रहा है यहाँ पे, टाइड भी है, एक पर्सिल भी है, बहुत सारे ब्रांड हैं, कुछ जाने माने भी हैं, कुछ नए ब्रांड भी हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक ABC का भी है भाई, ब्रिलियंट वाइट्स, मतलब बहुत सारे ब्रांड हैं। टाइड का देखो एक नया पैक यहाँ दिख रहा है येलो कलर में। और अभी एक लाइन से चलते हैं भाई, बहुत बड़ा मॉल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉल है। ये बार है भाई, साबुन है, कुछ और ही है ये भाई, पता नहीं क्या है यार ये। अच्छा ये वो पाउडर है जो पाउडर मशीन में डालते हैं ना, ऑटोमेटिक पाउडर, ये वाला पाउडर है। ये बेबी वाइप्स मिल रही है भाई, टोम्पी कंपनी की देखो, और ये 799 का पैकेट है इधर, और इसमें 100 वाइप्स है। और पैकेट देखो कितना चौड़ा है यार, ये देखो पैकेट काफ़ी चौड़ा है भाई, इसमें यानी कि बहुत अच्छी वाइप्स हैं। तो ये 2 कलर में आ रहा है। अच्छा बेबी गर्ल के लिए अलग है, बेबी बॉय के लिए अलग है। वाह भाई वाह, इसे तो मैंने पहली बार देखा है। और ये देखो सारे शैम्पू क्रीम वगैरह, अब ये तो यार इतनी सारी ब्रांड हैं और सब अलग अलग ब्रांड हैं। आप देख लो, वीडियो पॉज करके देख लेना रेट, अगर आप कोई भी ब्रांड इसमें से यूज़ करते हो तो। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ रैंडमली। देखो और ये आपके शैम्पू आ गए, हिमालय का शैम्पू दिखा देता हूँ भाई मैं आपको। देखो रिपेयर रीजनरेट, ये 1399 टेंगे का है ये देखो। और भी दिखाता हूँ, खाने पीने की चीज़ भी दिखाऊँगा आपको। ये सारे ये टॉयलेट क्लीनर हैं, ये भी सब आपको यहाँ पे मिलेंगे ही, सब कुछ मिलेगा भाई। ये देखो ये बेबी के लिए भाई, मतलब बेबी के लिए सही होगा भाई, सैनर्जेटिक है। इधर पैम्पर वगैरह सब है। और अभी आगे लेके चलता हूँ आपको, एक चॉकलेट बार मिल रही है यहाँ पे देखो, ये 50% डिस्काउंट में है चॉकलेट बार। ये देखो ये जिम डाइट वालों के लिए थी, 20 ग्राम प्रोटीन है, लो कार्ब है, नो शुगर एडिड है। ये मैं यार पता नहीं चल रहा इसमें रेट है कितने की है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लगा दी चिट स्टिकर लगा दिया, और यहीं पे इसका रेट था मेरे ख्याल से। देखता हूँ पता कर लूँगा, ये तो मैं ले लूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है। आज मैंने खाई थी 2-3 प्रोटीन बार, तो वो 70 रुपये की पड़ी थी। अगर उसे सस्ती पड़ेगी तो भाई ले लूँगा, और मुझे साइज़ भी इसका बड़ा लग रहा है। इसमें 2-3 वैरायटी हैं देखो, एक ये है, ये भी 50% ऑफ पर है, और ये भी 50% ऑफ पर है। ये जेम्स की तरह ब्रांड है भाई इनका, स्किटल्स करके देखो। ये है भाई 289 टेंगे का, डिवाइड बाई 5 कर लेना भाई, यानी कि ये 50-55 रुपये का हो गया। ये देखो तो ये बहुत सारे पैकेट में अवेलेबल है, बच्चों को लेके जाना है तो बच्चों के लिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे सस्ता ही मिलेगा आपको। चलिए ब्रेड दिखा देता हूँ आपको, ब्रेड भी कितने तरह की ब्रेड है भाई। देखो यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, यहाँ पे नहीं लिखा। ये देखो ये ब्रेड है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भाई इसका रेट ज़रा। ये एक 222 रुपये की है, 222 टेंगे की सॉरी, और एक 266 टेंगे की है, और ये है 222 की, ये वाली होगी 222 की। और इसमें जो ये वाली है बड़ी वाली, ये है भाई आपकी 266 की। ये देखो ब्रेड है भाई, क्या ये कैसे खाएंगे, बहुत टाइट है ये तो।
और ये वाली है 222 टेंगे की। ठीक है भाई, जो भी बात है। उसके बाद एक इधर भी है 183 टेंगे की। ये ब्रेड चॉकलेट ब्रेड लग रही है भाई, ये तो मस्त लग रही है। लेकिन इतनी टाइट क्यों खाते हैं भाई, ये बहुत टाइट है। हमारे यहाँ तो इतनी टाइट ब्रेड फेंक देते हैं भाई, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, कोई दिल पे मत लेना, मैं तो इतनी टाइट ब्रेड फेंक देता हूँ। देखो दब भी नहीं रही हाथ से, पता नहीं कैसे खाते हैं भाई ये। और ये भाई कुछ वैसे ही हैं इनके, जैसे अपने समोसा होता है ना अंदर, लेकिन ये मीठा है। 50% ऑफ पर है भाई ये भी। इसकी प्राइस कहाँ लिखे हुए यार, 50% ऑफ तो कहीं ना कहीं लिखे होंगे ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी। ये भी 50% ऑफ पर है, तो काफ़ी अच्छी जगह है भाई शॉपिंग करने के लिए। काफ़ी लोग आए हुए हैं। ब्रेड तो काफ़ी तरह की है भाई यहाँ पे। ये देखो 515 टेंगे की ब्रेड, ये अच्छी लग रही है भाई। अच्छा, इनकी ब्रेड ख़राब नहीं होती, मतलब उतने ही बनाते होंगे जितना घी सेल हो जाए। और ब्रेड दिखाऊँ आपको, ये देखो एक और ख़तरनाक ब्रेड है। ये देखो ये 239 टेंगे की ब्रेड है, इसमें काफ़ी सारे पीसीस हैं, मतलब एक्चुअली ये समझ लो रस्क वगैरह जो आते हैं ना, उस तरीके से समझ लो आप। ये भी ब्रेड है भाई, कितने तरह की ब्रेड है। ये देखो ये न्यूटेला की ब्रेड है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है भाई। अपने को तो ये देखते हैं भाई, ये ब्रेड है देखो 655 टेंगे की है। ये सैंडविच ब्रेड है देखो, अमेरिकन सैंडविच ब्रेड हैरिस कंपनी की है। यहाँ रख देते हैं भाई इसको। ब्रेड की वैरायटियाँ बहुत सारी हैं। ये छोटी वाली चॉकलेट केक जो होता है देखो, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये 209 टेंगे का है, डिवाइड बाई 5 करते रहना भाई। ये देखो बहुत तरह की ब्रेड है भाई, बहुत तरह की। 379 की, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट मिले हुए हैं, बहुत अच्छी है। बड़े साइज़ की ब्रेड भी यहाँ पे, बड़े साइज़ की है 895 की। और उसके बाद ब्रेड के सेक्शन दिखा दूँगा भाई, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो ब्रेड तो काफ़ी तरीके की है यहाँ पे, चॉकलेट ब्रेड है, प्लेन ब्रेड है, सैंडविच ब्रेड है, बहुत तरह की ब्रेड है। उसके बाद ये देखो जूस, ये लीची का जूस है और 329 का है भाई। ये कितने का हो गया भाई, डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, 50 रुपये का हो गया। कितना ml है भाई इसमें, 140 ml, 50 रुपये का, महंगा हो गया यार इतना ही। 209, अच्छा 200 ml है, 200 ml है भाई, 200 ml भाई। ये क्या है, ओ भाई ये क्या भाई, इस पर तिल लगे हुए देखो, कितनी लंबी ब्रेड, मेरे हाथ से भी बड़ी। ये देखो भाई कितनी लंबी ब्रेड है, क्या क्या खाते हैं भाई यहाँ पे। लेकिन जो भी खाते हैं भाई हेल्दी खाते हैं। ये है 200 टेंगे का ये वाला जो है, और ये है आपकी 190 टेंगे की, ये देख लो। और ये देखो भाई इसकी शेप देखो, क्या शेप बोलोगे इसको। ये 140 टेंगे का है यार, रुपीज़ याद आया था बार बार। ये 140 टेंगे का है, ये नीचे हार्ड बना हुआ है, हार्ड है 180 टेंगे का। ये देखो ये सब ब्रेड हैं, ब्रेड टाइप हैं, बेक्ड ब्रेड है ये न्यूटेला, और नीचे भी वो है बेक ब्रेड 200 टेंगे की भाई। काफ़ी ये ना लोकल स्ट्रीट पे भी काफ़ी दिखता है आला फूड जो है, इसका नाम मैं भूल गया, समसा वमसा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको यार। ये देखो ये चीज़ वाला भी होता है और मीट वाला भी होता है, हर तरह का होता है। ये 180 टेंगे का है, ये काफ़ी सस्ता है यार ये तो। यहाँ पे मार्केट में शायद 200 का भी मिलता है ये टेंगे का, और कहीं कहीं अच्छी जगह पे 300 टेंगे का भी मिलता है। और ये तो रीज़नेबल आउटलेट है भाई, यहाँ तो सस्ता मिलेगा ही मिलेगा। ये देखो इसमें ये ऊपर ये चॉकलेट डली हुई है, तो ये हो गया आपका 250 टेंगे का। एक ये जो बड़ा साइज़ दिखाया था इसमें, एक ये छोटा साइज़ भी है, ये 190 का है। रेस तो सेम है, टेस्ट में फ़र्क होगा भाई, क्वालिटी में फ़र्क होगा। ये न्यूटेला की ये चॉकलेट भी मिल रही है यहाँ पे लिक्विड में, वो भी देख सकते हो आप। वो भाई साहब कुकी की वैरायटी देखिए, कुकीज़ कितने टाइप की कुकीज़ है भाई, ये कुकीज़ के काफ़ी दीवाने भाई हैं। चॉकलेट्स और कुकी जो हैं उसका दीवाना है कजाकिस्तान। चॉकलेट की काफ़ी वैरायटी मिलती है यहाँ पे, आप कभी कजाकिस्तान आओ तो चॉकलेट ज़रूर यहाँ से बाय करके लेके जाना। ये देखो भाई कितनी लाइन से, कसम से इतनी लारे, इतने सारे कुकीज़ रखे हुए हैं। 190 का पूरा बॉक्स है ये वाला, जो मैं स्पेशल इसकी बात करूँ, स्टार शेप में है ये। 199 कितना हो गया भाई, 40 रुपये का। हाँ 40 रुपये का, ए 40 रुपये का, सही कर रहा है क्या मैं, 200 डिवाइड बाई 50, तो 200 डिवाइड बाई 5 करोगे तो यार 40 रुपये आ रहा है, 40 रुपये का ये भाई, बहुत सस्ता है। तो यार देखो ये 190 लिखा हुआ है और ये पूरा बॉक्स है इसके ऊपर ही रखा है, अगर मैं गलत हूँ तो नीचे कमेंट में बता देना। और ये देखो 200 का काफ़ी अच्छा है भाई ये भी। ये देखो ये भी 40 रुपये का है भाई, ये कैसे हो गया, बड़ा सस्ता नहीं ये। और ये वाला देखो ये 240 का है भाई साहब, ये 50 रुपये का हो गया, बड़ा सस्ता है यार ये तो। कुकीज़ बहुत सस्ती है भाई यहाँ की,
ये देखो कितनी वैरायटी के पीस है। ये 320 का, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट लगा दिया आगे, ये 320 रुपये का हो गया यार। इसमें से एक ना एक तो मैं लेके जाऊंगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो 320 रुपये में क्या ही लोगे भाई, बच्चे की जान लोगे क्या। ये अपने बन आ गए, जैसे अपने सिंगल सिंगल बन मिलते हैं ना, इन्होंने पूरा एक साथ ही बेक किया हुआ है। तो ये 230 का पूरा मिल रहा है आपको, 230 का पूरा, 50 रुपये का लगभग, 45 से 50 रुपीज़ का पूरा। मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हो रही है? नहीं यार, सही कर रहा हूँ मैं, 50 रुपीज़ में पूरा मिल रहा है यार, बहुत सस्ता है। और ये 200 में देखो पूरी ब्रेड मिल रही है वाली, देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, कौन खाएगा इसे, पानी में भिगो के खाएंगे क्या, बहुत ज़्यादा टाइट है वाली ब्रेड। ये देखो सब सारा सामान, ये कुछ रेडीमेड भी है, रेडी टू ईट है देखो। अरे यार मैंने तोड़ दिया, थोड़ा ख़राब कर दिया मैंने, इसमें कुछ वेजेज वगैरह डली हुई हैं, इसको शायद ओवन में बेक करके रेडी टू ईट वाला सिस्टम होगा ये। और नीचे देखो तिल वगैरह लगा के काफ़ी ब्यूटीफुल, और देखो क्वांटिटी देखो, भर भर के माल रखा हुआ है। ये वो है जो ब्रेड जिसकी स्लाइस कर देते हैं, ये बिना स्लाइस की बड़ी ब्रेड है, और थोड़ा टाइट है, मैंने अभी दबा के देखा है। उसके बाद भाई ब्रेड का सेक्शन तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई, मैं ख़त्म कर देता हूँ, लास्ट दिखा देता हूँ। थोड़ी यूनिक लग रही है ये, 400 टेंगे की है ये। ये देखो 80 रुपये की, इतनी बड़ी ब्रेड 80 रुपये की भाई, क्या किसी ने खा के भी देख ली क्या, पता नहीं। 80 रुपये की मैगनम शेफ की, भाई साहब टेस्ट ज़रूर करूँगा भाई मैं एक बार यहाँ पे। ये देखो क्या बेहतरीन चीज़ है, और बताऊँ और क्या दिखाऊँ आपको, ब्रेड की तो सेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा भाई। ये तो देखो नान टाइप आ गया 380 रुपये का, इसमें चीज़ भरा हुआ है, यार चीज़ भरा हुआ है इसके अंदर, 380 टेंगे का भाई। अब ब्रेड को छोड़ देता हूँ, नहीं तो ब्रेड तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और कुकीज़ देखो, कुकीज़ का तो सेक्शन ही ख़त्म नहीं हो रहा, साथ साथ चल रहा है मेरे। और ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ पाउडर में है, ये नहीं समझ में आएगा भाई जब तक मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करूँगा। इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, कुछ पाउडर होगा कोई दाल देख के खाने का। इसके रेट देखूँ मैं, ये वाला, ये वही वाली कुकीज़ है जो मैंने आपको वहाँ दिखाई थी। तो ये है भाई 2400 लिखा है भाई इसमें, 2400 क्या लिखा हुआ है। इसका टेंगे का प्राइस कहाँ है, इसका देखता हूँ टेंगे का प्राइस किधर है। वहाँ तो यार 200 और 240 इतना लिखा हुआ था। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ना ऊपर, ये रहा 400, 360, 360, 910, ये सब इनके रेट हैं। ये वाला देखा था हमने वहाँ पे, ये कितना लिखा है इस पर, 1900। यार ये कुछ पंगा हो रहा है मुझे लग रहा है, जब ही वो मुझे सस्ता लग रहा था 40 रुपये का, इतना सस्ता हो नहीं सकता ये, वहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा था, लग क्या रहा था, लिखा हुआ था वहाँ पर, इतना सस्ता भी नहीं हो सकता। ये देखो ये है 1408 का, ये जो बच्चे खाते हैं ड्रमस्टिक होती हैं, ये वो है, बहुत टेस्टी होती हैं बच्चों के लिए। भाई मैंने भी इसकी खोज पूरी निकाल के माना, देखो ये जो मैंने आपको रेट दिखाया था ना 195 जो है, ये 100 ग्राम का रेट है, ये है टेंगे का ही रेट लेकिन 100 ग्राम का रेट है। मैंने अभी इसको ट्रांसलेट करा इरा, तो ये जो हमारा बॉक्स है ये 842 टेंगे का है, ठीक है, और इसमें जो वज़न है 432 ग्राम है, तो इस हिसाब से ना ये इसका रेट 832 टेंगे हो गया। तो 832 टेंगे का ये पूरा बॉक्स आएगा आपका, ठीक है, इसको डिवाइड बाई 5 कर लेना, तो ये आपका हो गया भाई मेरे ख्याल से 250 रुपये का, नहीं 250 रुपये का कहाँ हो गया यार, 180 रुपये के आसपास का हो गया, 180 रुपये का है, तो मेरे ख्याल से सही है यार, 180 रुपये का तो बहुत सारी क्वांटिटी है इसके अंदर, मतलब 180 से 200 रुपये की रेंज में ये बॉक्सेस हैं सारे। देखो भाई छोटा सा बच्चा अपने आप आया, दो किंडर जॉय उठाए इसने हाथ में और ट्रॉली में बैठ गया किंडर जॉय लेके, भाई मस्त लोग हैं भाई यहाँ पे। ये देखो ये भाई है 659 टेंगे का, दो पीस हैं भाई ये, दो पीस 659 टेंगे के। इसमें ना भाई यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वो चीज़ कर रखी, मतलब लड़कों का अलग बना रखा है, लड़कियों का अलग बना रखा है, देखो बेबी बॉय का अलग है और बेबी गर्ल का अलग है किंडर जॉय। ये 659 टेंगे के दो पीस हैं, अब आप लगाओ कितने का हो गया भाई, ये कुछ सस्ता हो गया यार, ये तो 659 डिवाइड बाई 5.5 करोगे तो 100 रुपये के दो पीस, 50 रुपये का, सही है भाई। इसके बाद काफ़ी सारी चॉकलेट की आइटम भी हैं यहाँ पे, देखो चॉकलेट के लिए तो भाई फेमस है कजाकिस्तान। स्नीकर्स भी हैं, देखो स्नीकर्स के पैकेट भी हैं पूरा, ये 999 का टेंगे का ये पैकेट है पूरा, इसमें कितनी चॉकलेट हैं वो देख लेंगे भाई, कितनी है इसमें ग्राम के हिसाब से है भाई, ग्राम के हिसाब से है, मतलब पूरा पैकेट 199 का है, वो 999 का सॉरी। स्नीकर्स में काफ़ी सारी वैरायटी है, छोटे बड़े साइज़ ये सब। ओ भाई मार्शमेलो, ये देखो भाई मार्शमेलो भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे, देखो ये देखने में अच्छी लगती है, मुझे खाने में तो अच्छी नहीं लगती,
ये भी सब मिल जाएगी। तो ये 975 टेंगे का है भाई पैकेट पूरा, ये देख लो। तो क्वांटिटी के हिसाब से रेट है, आप आके देखना। ये देखो स्नीकर्स जो हैं, आज मैंने एक स्नीकर ली थी भाई, वो ली थी 350 की, और मेरे ख्याल से वो ये वाला साइज़ था। हाँ कन्फर्म ये वाला साइज़ था। और ये यहाँ पर कितने की मिल रही है अभी इसको मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ, इससे आइडिया लग जाएगा हमारे को भाई। मैं भी ट्रांसलेट करके देखा मैंने, ये 50.5 ग्राम की चॉकलेट है और ये 285 टेंगे की है, मतलब 51 रुपीज़ की पड़ रही है। और ये मैंने आज एक जगह से ख़रीदी थी, वो एक मॉल टाइप था, तो उसमें मुझे उसने ऊपर अलग से स्टिकर लगा रखा था 350 टेंगे का। तो ये 350 टेंगे की वहाँ पर थी और 285 टेंगे की यहाँ पर है, तो सस्ता है भाई यहाँ पर सामान, आके ले सकते हो। अब इससे मुझे पता लग गया क्योंकि ये मैंने ख़रीदी थी आज ही। तो स्नीकर्स की कितनी सारी वैरायटी है देखो, बड़े बड़े पैक, छोटे छोटे पैक, सब स्नीकर है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मॉल है मैग्नम का। और ये देखो भाई, एक चॉकलेट मैंने खाई थी, अगर वो यहाँ पे मिल गई ना तो वो तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगा, उसका मैंने फ़ोटो खींच रखा है। अगर वो यहाँ पे मिल गई तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगा, वो भी उसी से ली थी मैंने, और वो भी उसने 70 रुपये की दी थी, यानी कि 350 टेंगे की। चॉकलेट का सेक्शन है यहाँ, ढूंढता हूँ, अगर मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा मेरा। बच्चों की पसंद चोको पाई की बात कर लेते हैं, ये 1209 टेंगे का है, 200 कुछ रुपए का पड़ रहा है, 210 रुपए के आसपास का, 12 पीस का बॉक्स। इसका आप कमेंट करके मुझे बताना कि इसका रेट क्या है, मेरे को याद नहीं है इसका रेट। इसमें भी वैरायटी है देखो, लेकिन ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, 1209 का ही है, 1219 का ही है। तो एक बार चेक करके मुझे बताना इसके रेट कैसे हैं, ठीक है। 12 पीस का रेट है और इसका जो ग्राम है 360 ग्राम का है पैकेट भाई, ठीक है, उसके हिसाब से भी देख लेना। किटकैट देखो भाई, ये किटकैट है 41.5 ग्राम की और इसके रेट हैं ये वाला 269 टेंगे की है, तो ये पड़ रही है भाई हमारी 48 रुपये के आसपास की, मतलब 50 रुपये मान लो आप, 50 रुपये की पड़ रही है ये वाली चॉकलेट। देखो चॉकलेट की तो भाई भरमा रहे हैं यहाँ पे देखो, और ये कि बिस्किट और चॉकलेट, लोग भर भर के चॉकलेट लेके जा रहे हैं यहाँ पे, अपने उसमें रख रहे हैं कार्ट में। चॉकलेट के बहुत दीवाने भाई यहाँ पे, बनाने वाले भी और खाने वाले भी। और आगे चलते हैं फिर। अब यार ये देखो स्नीकर फिर आ गई यहाँ पे, चॉकलेट ही चॉकलेट है हर जगह। ये देखो 285 की वहाँ पे दिखाई थी ना, बड़ी वाली 450 की है, तो इसमें और डिस्काउंट हो गया बड़े साइज़ में हमारा। अभी मैं आपको ना ड्राई फ्रूट के रेट भी दिखाऊंगा, ड्राई फ्रूट किस रेट का यहाँ पे मिल रहा है, देखते हैं सस्ता है या महंगा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट यहाँ होता तो है नहीं, और करेंसी के हिसाब से देखते हैं अपने इंडिया में कितने का पड़ रहा है ड्राई फ्रूट। और अभी मैगी रह गई है, दूध रह गया है, पनीर रह गया है, या जो भी मिलता होगा यहाँ पे, घी, अंडे, ये सब और बता देता हूँ आपको, क्योंकि सब चीज़ दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रोज़मर्रा की चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको। वैसे तो बहुत बड़ा मॉल है भाई मैग्नम, आप जब भी आओगे एक बार यहाँ विजिट कर लेना, रहने के लिए आ रहे हो, अगर घूमने के लिए आ रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं भाई आने की। भाई नॉनवेज का सेक्शन आ गया, पहले ये कवर कर लेते हैं। ये देखो भाई, एक अजीब चीज़ देखी मेरे को, ये है मछली बनी हुई है ऊपर, मछली के अंडे हैं ये, मैंने ट्रांसलेट करके भी देख लिया है। तो ये मछली के अंडे का पैकेट है 575 टेंगे का, इसमें क्रीम के साथ मिक्स है ये, 180 ग्राम का है भाई, क्रीम भी मिली हुई है इसके अंदर, काफ़ी तरीके के भाई मछली के अंडे हैं ये देखो, इस तरीके से इसके साथ भी क्रीम के साथ है, इस क्रीम के साथ भी है, ये सब मछली के अंडे हैं। और ये फ़िश भी है भाई यहाँ पे देखो, ये फ़िश है। अब फ़िश तो भाई बहुत तरह की होती है, ये देखो इन्होंने क्या कर रखा भाई, निकल नहीं रही, अब सब फंसा रखी है। चलो ये वाली दिखा देता हूँ यार, ये देखो ये फ़िश है, इसके ना पीस करे हुए अंदर साफ़ करके काट के रखी हुई है, ये 2380 रुपये, 2380 टेंगे की है यार, रुपये बार बार निकल जाता है, आप देख लेना, ठीक है, डिवाइड बाय 5 कर लेना इसको, तो ये आपका रेट निकल के आ जाएगा इंडियन का। तो मैं आइटम दिखा रहा हूँ जस्ट आपको, ये देखो ये भी भाई स्लाइस करके दिए हुए हैं, ये कबाब है भाई, यहाँ कबाब दिख रहा है मुझे, इसको जाके सीधा आपको रोस्ट करना है। तो भाई ये तो उसके हैं, कबाब नहीं लिखा भाई, ये तो वो लिखा हुआ यार, क्या बोलते हैं इसको, भूल गया मैं एकदम, ये रहा ये फ़ोटो छपी हुई, क्रैब क्रैब, हाँ ये कबाब नहीं है, क्रैब के पीस बना रखे हैं भाई। और भी कुछ है, झींगा, ये देखो झींगे भी हैं, पता नहीं क्या क्या भाई सब, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सी फूड हलाल होता है ना, तो देखो ऑक्टोपस का भी है भाई, सब कुछ मिल रहा है भाई यहाँ पे, ये सी फूड हलाल होता है तो इसलिए ये लोग खाते हैं। ये देखो मछली के छोटे पीस चाहिए, बड़े पीस चाहिए, सब आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे देखो फ्रोज़न फ़िश भी है, ये फ़िश भी आपको देखो, ये बर्फ़ के अंदर लगाई हुई है फ़िश, मैं टच करके दिखा रहा हूँ, थोड़ी स्मेल आ रही है मुझे, ये देखो 199 टेंगे की है, 100 ग्राम उसके हिसाब से रेट है, ये 100 ग्राम के हिसाब से रेट लिखते हैं भाई, आप ये मत समझ लेना पूरी मछली आपको 120 टेंगे की दे रहे हैं। मैंने जैसे पीछे बिस्किट का पैकेट समझ लिया था ना, वो बड़ा सस्ता 40 रुपये का, ठीक है, तो वो फिर भी 200 रुपये का है, फिर भी 160 रुपये का बैठा फिर भी। और ये देखो
ये सब मछली हैं और ग्राम के रेट है 100 ग्राम के। देखो ये लिखे हैं 60 टेंगे। अब 60 टेंगे में पूरी मछली थोड़ी ना मिल जाएगी आपको। देखो ये अलग अलग वैरायटी की मछली है और ये देखो मछली बहुत सारी मछली हैं। अब ये क्या है भाई, अब ये मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा फिर आपको बताऊंगा क्या चीज़ है ये। वैसे मछली है सारी, देखो पीछे मछली फ्रेश भी रखी हुई है यहाँ पे। ये पूरा सेक्शन ही मछली का है। देखो 550 टेंगे 100 ग्राम, ये तो बड़ी महंगी है भाई। देखो याली होगी भाई। और ये देखो मछली, ये सब मछली है भाई मार्केट में। ये कुछ सॉसेज में भीगी हुई मछली है, ये देखो रस्सी से बांध रखी है। ये भी मछली है, ये मछली के पीसीज हैं, छोटी मछली है और छोटी मछली है। बस जिसको मछली की नॉलेज है वो पॉज करके देख लेना रेट वगैरह क्या है यहाँ के, सही है या सस्ते हैं या महंगे, कमेंट कर देना नीचे। ये देखो क्या चीज़ है ये, मैं तो देख के डर गया था भाई, मछली इसके अंदर कैद कर रखी है क्या। फिर मैंने इसको ट्रांसलेट करके पढ़ा तो ये कुकुम्बर का अचार है, पिकल है ये कुकुम्बर का, ठीक है। लोग भाई ये भी खाते हैं यहाँ पे। इसका रेट देख लो भाई, 1500 टेंगे है और 750 ग्राम है भाई। अब लगा लेना भाई आप, ये तो 1500 टेंगे नहीं होगा भाई, ये 1500 ग्राम का होगा। इसका रेट नहीं लिखा इधर भी कहीं पे यार, चलो रेट दिखेगा तो मैं बता दूँगा आपको। पिकल है और ये टमाटर का भी है क्या, ये देखते हैं किसका है। ओ भाई टमाटर का भी, टमाटर और खीरे का एक साथ अचार। अचार ही क्या यार, ये तो इन्होंने रख रखा है ऐसी, वो कुछ लिक्विड डाला होगा। ये देखो खाली टमाटर का भी ये रहा। अच्छा टमाटर और खीरे का एक साथ खाते हैं अचार या सलाद के रूप में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ये चीज़ अच्छी लगी भाई मेरे को। फाइनली भाई अंडे आ गए, अंडे हमारे। देखो इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी होती है, इसमें ना ग्रेडिंग होती है अंडों की, तो ग्रेडिंग के 7 अंडों के प्राइस होते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे सस्ता देखो ये जो है ना 60 से 65, ये जो एक ग्रेड है, ये ग्रेड का अंडा मीडियम होता है, मतलब अच्छा होता है खाने में और इसका रेट भी ठीक रहता है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अंडे की ट्रे है 30 अंडे की, ये 1899 टेंगे की है, ठीक है। 1900 टेंगे की एक ट्रे है 30 अंडे की, और इस हिसाब से अंडे की वैरायटी भी अलग अलग है और इसके रेट भी अलग अलग हैं। देखो हर क्वालिटी का अंडा होता है, छोटा बड़ा साइज़ के हिसाब से इसके अंडों के रेट होते हैं। और अंडों की वैरायटी की बात करूँ, देखो देसी अंडे भी आ गए हमारे यहाँ, तो देसी अंडे बोलते हैं इसको। अब ये पता नहीं किसके हैं, मतलब किसके क्या मुर्गी के ही हैं, अलग अलग तरीके की मुर्गी होती है ना, जंगली होती हैं, देसी होती हैं। ये देखो अंडे की वैरायटी देखो यार, ऐसी जगह लेके आ गया तुम्हारा भाई, तुम्हारे को कोई चीज़ छोड़ेगा नहीं आज। ये देखो पीछे ये 65-70 वाले हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं ना अंडे, और साइज़ भी बड़ा है। देखो एक तो अंडा फूट गया भाई, मैंने नहीं फोड़ा। देखो ये 65-70 वाले हैं जो अंडे सबसे ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है। इसका रेट मैंने आपको बता दिया था, ये वाला सामने 1899 टेंगे का, वो ब्लू कलर का है भाई, कुछ फ़र्क हो सकता है। वो 60 से 65 का साइज़ है और ये है 60 से 70 का साइज़। इसका रेट थोड़ा फ़र्क हो सकता है क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में लिखा रखा हुआ है यहाँ पे। ये ड्राई फ्रूट देखे थे मैंने पीछे, हाँ ये ड्राई फ्रूट का सेक्शन है। अब ड्राई फ्रूट के रेट और देख लेते हैं क्योंकि ये भी मेन होता है भाई। अब ये काजू का पैकेट है, ये भाई 2475 टेंगे का है। अब ये ग्राम कितना है, ग्राम 200 ग्राम है 2475 टेंगे का। अभी बताता हूँ आपको भाई, 450 रुपये का हो गया 200 ग्राम का पैकेट। देखो साइज़ काफ़ी बड़ा है इसका और रोस्टेड लग रहे हैं मुझे ना, वाइट नहीं लग रहा, तो हो सकता है इसकी वजह से महंगा हो, क्योंकि क्वालिटी तो यार ये अच्छी खाते हैं। पर कैपिटल इनकम भाई बहुत ज़्यादा है इनकी, $25,000 पर कैपिटल इनकम है इनकी, 22,000 से 25,000 पर कैपिटल इनकम, समझ रहे हो इस बात को। चाइना से और इससे रशिया से भी ज़्यादा पर कैपिटल इनकम है, तो भाई अच्छा खाएंगे ना ये। और ये देखो ये है चिलकुंजे, इसका भी रेट का है, इसका है 2475 और काजू का था भाई 2000। अच्छा इन्हें किसी ने एक पैकेट यहाँ रख दिया उठा के, ये रहा काजू का रेट ये है, इसको डिवाइड बाय 5 कर लो 400 रुपये, और ये है आ गया आपका 450 रुपये। यार ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है दोनों में, ये भी अच्छा लग रहा है। तो 450 का 200 ग्राम ये है, ये भी 200 ग्राम है, हाँ ये भी 200 ग्राम है और ये भी 200 ग्राम है, 400 रुपये 450 रुपये भाई। मूँगफली भी मिल रही है, मूँगफली मिल रही है 825 टेंगे की 300 ग्राम। मूँगफली का साइज़ तो ठीक ठाक है, ऐसी तो अपने उधर मिल जाती है। अखरोट बता देता हूँ, अखरोट का 400 ग्राम का पैकेट है 1065 टेंगे का, 1065 टेंगे। यार ये तो 200 रुपये का पैकेट हुआ 400 ग्राम का, ये सही है यार। चलो और ये क्या चीज़ है भाई, ये तो मुझे पता नहीं, होगी यहाँ की कुछ ड्राई फ्रूट के साथ रखी है तो ड्राई फ्रूट वाली आइटम ही होगी। बादाम रखा हुआ है, अच्छा देखो इसमें वैरायटी आ गई। अब ये जो है 800 रुपये के हैं,
अब यार ये काजू समझ रहा था, पीनट है ये, तो यार इसको मिक्स कर देते ना लोग बाग। पीनट्स का रेट बता देता हूँ, 800 टेंगे की है 200 ग्राम पीनट छीली हुई नमक वाली, ठीक है जी। अब ये जो है, अब ये तो पीनट के ऊपर क्या लगा रखा है, पीनट की कोटिंग की हुई है भाई, पता नहीं किस चीज़ की हुई है, वैसे सब हलाल होता है यहाँ पे। और 480 टेंगे की है भाई 200 ग्राम, और ये इस पर कुछ और कोटिंग है तो 750 रुपये की है 200 ग्राम। अब भाई बहुत सारी चीज़ें देखो, ड्राई फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट ये वाले भी चलते हैं ना, ये वाला देखो ऑरेंज है ये, हाँ ऑरेंज की स्लाइस है, नहीं मैंगो है, मैंगो मैंगो लिखा हुआ है, मैंगो को सुखा के बनाया हुआ है, ड्राइड करके ड्राइड फॉर्म में रखा जाता है फ्रूट को, काफ़ी खाते हैं ये लोग। ये वाला आपका है 200 ग्राम 650 टेंगे का, ठीक है, रेट ज़्यादा नहीं है। अब ये देखो छोटी छोटी चीज़ें पैकेट जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाए थे वो यहाँ पे भी रखे हुए हैं, अखरोट भी रखी हुई यहाँ पे, गिरी रखी हुई, वो साबुत अखरोट थी, ये गिरी है। अब इस पैकेट पे ना रेट मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 200 ग्राम तो समझ में आ गया, लेकिन रेट पता नहीं, रेट आएगा इसको स्कैन करने के बाद, तो जो लिखा था वो मैंने आपको बता दिया। और कुछ ड्राई फ्रूट यहाँ पे भी रखे हुए हैं, खजूर देखते हैं भाई खजूर का क्या रेट है। खजूर है भाई आपका 1700 टेंगे का, लेकिन इसमें ग्राम नहीं लिखा हुआ है भाई, पास में दिखाता हूँ आपको, इसको ट्रांसलेट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ खजूर का क्या रेट है। यहाँ पे 300 कुछ रुपए केजी है ये ना, इसका एक 1699 टेंगे का रेट है एक केजी का, ठीक है 300 कुछ रुपए का आ रहा है ये केजी के रेट लिखे हैं इनके सबके यहाँ पे। और ये देखो आपको जितना दबा के निकालना है उतना इसको प्रेस करके आप निकाल के अपना ले जा सकते हो। अब वेजेस का नंबर आएगा, पहले इधर देख लेते हैं अंडों के बाद क्या रखा हुआ था, फिर इस सेक्शन में आएंगे। ये भाई मशरूम आ गई आपकी, देखो मशरूम का रेट देख लो, काफ़ी तीन तरह की मशरूम है यहाँ पे, 517 टेंगे की 200 ग्राम है, 977 टेंगे की 400 ग्राम है, 865 टेंगे की 350 ग्राम है, तो अलग अलग है। एक ये नूडल है भाई, देखो नूडल लगे हुए भाई उसके साथ कॉर्न के साथ, ये आपका 700 ग्राम का पैकेट है 850 टेंगे का। मशरूम यहाँ खुली भी मिल जाएगी आपको, और ये देखो हरा धनिया की तरह और भी चीज़ें लगी हुई भाई, देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में, बिल्कुल फ्रेश है, ठंडा ठंडा यहाँ से ना ठंडी हवा आ रही है इसमें। चिली देखो, और ये नीचे हरी सब्जी है भाई, ये धनिया, धनिया ये तो धनिया लग रहा भाई, धनिया का रेट बताता हूँ आपको, हाँ धनिया ही है, लिखा है क्या धनिया का रेट इसी पे लिखा हुआ है क्या, हाँ धनिया है भाई 100 टेंगे का, नहीं 100 ग्राम है 100 ग्राम, रेट इस पर लिखा नहीं है कहीं पर भी, इसको फिर स्कैन करना पड़ेगा यार, पता नहीं यार क्या करते हैं ये, नीचे ट्रे में रेट ही नहीं लगा रखा। अबे यार मैं भी पागल हूँ, देखो यार 335 टेंगे का है धनिया, और 100 ग्राम का पैकेट है 335 टेंगे का, तो सही है यार 660 रुपये का हो गया, ठीक है। और लेकिन है ऐसा बिल्कुल कच्चा ही खा जाओ, इतना फ्रेश लग रहा है, और इतनी सारी वेजीज हैं यहाँ पे, ये देखो भाई पैकिंग देख रहे हो कितनी मस्त है, ऐसा लग रहा है निकाल के खा जाओ, ये मुझे लग रहा है मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट में आजकल डाइट वाले खाते हैं ना वो है, ये भीगे हुए चने, उबले हुए चने, सब इसमें डाइट बना रखी है। और एक ये भी है, ये कितने की भाई, 1039 टेंगे की 120 ग्राम। और ये नूडल्स है, नूडल्स है भाई, नूडल्स मिक्स है, इसमें सीधा ले जाके बना के खा लो। केचप, ये सॉस है सॉस, ये टोमेटो सॉस है, ये हाँ टोमेटो केचप है, जो चटनी वाला होता है, एक तो गाढ़ा वाला होता है, एक ये पतला वाला है, ये भाई 500 ग्राम का है 650 रुपये का, 650 टेंगे का, यार थोड़ा सा देख लेना। ये किसके अंडे हैं भाई, ये इतने छोटे छोटे अंडे किसके हैं, कुछ छपा हुआ है क्या इस पर। अब जिसके भी अंडे हैं ये 750 टेंगे के 18 पीस हैं भाई, इसमें 18 पीस हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 15 16 17 हुए हैं भाई, 18 पीस हैं। अब अंडे किस चीज़ के, चिड़िया वड़िया के होंगे भाई, और किसके होंगे इतने छोटे अंडे, जैसे अपनी पालक होती है ना उस तरीके से ग्रीन वेज है इनकी। और कितने तरीके से भाई देखो बेच रहे हैं, देखो बिल्कुल तरीके से, क्योंकि वो छोटा सा नीचे वो लगाया हुआ है पौधा, कप प्लास्टिक का उसके अंदर लगा हुआ ताकि ये फ्रेश रहे, ठीक है। और इसका प्राइस देखो, ये 500 टेंगे के तो ये वाले हैं, और 650 टेंगे के इधर वाले हैं। अब ये मेरे को पता नहीं है भाई, इनके भी इनके होते हैं हरी सब्ज़ी, यही जाने भाई। अब यहाँ पर और भी है, देखो यहाँ लिखा हुआ ना हलाल, सब कुछ आपको यहाँ हलाल मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है तो सब कुछ हलाल ही मिलेगा। अब ये मैं देख लेता हूँ ये है क्या, देखो ये तो मुर्गा लग रहा है मेरे को, और ये क्या है, मुझे घोड़ा लग रहा है, घोड़ा अभी दिखाता हूँ भाई ट्रांसलेट करके है क्या ये। ये सब हलाल चिकन और भेड़ बकरे सबका गोश्त मिल रहा है यहाँ पे, देखो घोड़े का नहीं है, मैंने चेक कर लिया ट्रांसलेट करके,
और इस साइड कौन सा है भाई? इस साइड भी ये तो चिकन है, साफ दिख रहा है भाई। ये लेग पीस है, ये छोटे लेग पीस है, ये बड़ा उसका थाई है, ये चिकन ब्रेस्ट है, ये सब अलग अलग। देखो लेग पीस कितना मोटा है यार मुर्गे का, अपने आधा साल दो मिला के भी एक नहीं होते ऐसे। ये देखो भाई रेडी टू ईट भी मिलेगा भाई आपको। अरे वाह भाई वाह, ये मज़ा आ गया। देखो रेडी टू ईट, सीधा जाके कुक करना है, मसाला वसाला ग्रेवी सब कुछ लगा रखी है इसके ऊपर, और सीधा जाके आपको डीप फ्राई कर लो इसको या फिर तंदूर पे कर लो, ठीक है। ये देखो भाई ये बढ़िया लगा मेरे को, कुछ भी उठाओ और सीधा बना के खा लो। इसमें बड़े बड़े पैकेट भी हैं और छोटे छोटे पैकेट भी हैं। किसी एक चीज़ का रेट बता दूँ, लेग पीस का बता देता हूँ आपको। ये देखो 2460 टेंगे हैं और है कितना ग्राम भाई, 674 ग्राम का पैकेट है और 2035 टेंगे है। अब तो मुझे भी रेट पढ़ने आ गए भाई। देखो 674 ग्राम है और 2035 टेंगे। अब टेंगे को डिवाइड कर लेना भाई, ओ क्योंकि रेडी टू ईट है, थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है। इस तरह से मैगी के, ओ हो हो, मैगी मसाला चिकन के लिए अलग है भाई यहाँ पे। अरे वाह ये बढ़िया है भाई, हर डिश के लिए अलग मसाले हैं मैगी के। 450 रुपये का, 450 टेंगे का है एक पैकेट। ये देखो 47 ग्राम का। उसके बाद अरे भाई यहाँ तो पूरी टांग रखी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, टंगड़ी। ये भाई लैम की टंगड़ी है, लैम ज़्यादा खाते हैं यहाँ पे, सब लैम का गोश्त है ये सब, और फ्रोज़न फूड रखा हुआ है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें यार कि चिकन लैम, ये क्या बवाल है, ये इंस्टेंटाइन होंगी भाई, इंटेस्टाइन जो होती हैं वो होगी भाई, खाते हैं कुछ लोग, कुछ लोग नहीं खाते। ये देखो ये सारा गोश्त का सेक्शन है, चिकन है बेसिकली, उसको अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग उसके देखो चिकन छपा भी हुआ है इसके ऊपर, मैं दिखा देता हूँ कभी आप बोलो कि चिकन ही चिकन बताया जा रहा है। ये देखो अब ये लेग पीस देखो कितना मोटा है यार, देख रहे हो कितना मोटा लेग पीस है, और कितने का भाई ये, इसका रेट लिखा है कहीं पर, इस पर देख लेता हूँ। ये है 1002 टेंगे का, 7 पीस हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 पीस हैं 1002 टेंगे के। ये देखो ठीक है भाई, लेकिन चीज़ भी है ना काफ़ी हेल्दी है भाई, काफ़ी हेल्दी देखने में, खाने में तो और भी मज़ा आएगा इसको, बहुत बढ़िया साहब। उस तरीके के मसाले भी साथ साथ रखे हुए हैं ऊपर मैगी वाले ने, अच्छा मैगी वाले मसाले, मैगी वाला हमारे यहाँ नहीं देता भाई चिकन मसाला, अगर देता है तो आप मुझे बताना। ये भी सब चिकन के वो हैं, जैसे चिकन कबाब वगैरह बनाने के लिए चाहिए होता है ना, कीमा बोल दो या कुछ भी बोल दो, ये वो है भाई, उसको कीमा बना के इस तरीके से पैक किया जाता है। तो इसका रेट बताता हूँ, 3270 टेंगे का है भाई, 500 ग्राम, ठीक है, क्योंकि इसमें यार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, कीमा वगैरह है, अब तो भाई आपको पता ही है। ये देखो एक अलग तरीके का कीमा है, ये देखो वो चिकन का था, ये भाई बड़े का है, ठीक है ना, और ये अलग अलग तरीके से बना रखे हैं भाई सबके। बस यहाँ पोर्क नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सब हलाल फूड है, यहाँ पोर्क अलाउ नहीं है, इसीलिए देखो छोटे 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 पीस भी बना के आपको दे रहे हैं, इसको सीधा से फ्राई करो और खाओ, इन्जॉय करो भाई। सैलड भी दी हुई है, अगर कोई आलसी है ना सैलड भी काट नहीं सकता है, और कुछ ये तो कैरेट कुछ बनाने के लिए हैं, हर कोई ग्राइंड नहीं कर पाता भाई, पैसे वाले लोग हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से सैलड भी दे रखी है, सैलड भी आप ले आके रेडी टू ईट कर सकते हो भाई। मैंने इन मोहतरमा से पता किया है, ये सारा रेडी टू ईट है, आप यहाँ पे ना खा सकते हो, ये मतलब ऐसा ठंडा नहीं है जो फ्रोज़न वाला, आप लेके इनसे यहीं पे ही खा के अपना एंजॉय कर सकते हो। मैंने इनसे पूछा है अभी क्लियर, इन्होंने मुझे ट्रांसलेट करके बताया है, तो अभी मैं देखता हूँ इसमें से कुछ मुझे लगेगा तो मैं कुछ खा लूँगा, और नहीं तो फिर अपना निकल जाऊँगा यहाँ से। यहाँ ब्रेड वगैरह भी मिल जाएंगी सारी, और ये समसा का रेट देखता हूँ भाई यहाँ पर कितने का है, देखो 230 टेंगे का है, हाँ ठीक है, बाकी 300 टेंगे का मिलता है हर जगह, और साइज़ भी मुझे अच्छा खासा दिख रहा है इसका, बहुत ही बढ़िया। अच्छा यहाँ मोमोज की तरह भी रखा हुआ है कुछ भाई, डम्पलिंग है क्या है ये, मोमोज की तरह है भाई, 135 टेंगे के हैं, पीस नहीं लिखे हैं इसमें, दिख नहीं रहे मुझे क्वांटिटी कितनी लिखी है, अरे लिखी तो है साफ साफ 100 ग्राम 135 टेंगे का। ये तो भाई रेडी टू ईट नहीं लग रहा मुझे, हो भी सकता है। और यहाँ देखो चिकन भाई पूरा का पूरा पीस रखा हुआ है यहाँ पर, मैडम तंदूर पे हाथ सेक रही है, मुझे लग रहा है गर्म करके देंगी भाई इस पे, देखो इस तरीके से यहाँ से उठा के, ये सबके रेट लिखे हुए हैं टेंगे में, उठा के आपको गर्म करके देंगी इस तवे पे, इस पे ओवन में गर्म करके देंगे आपको, ये ओवन भी रखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये इसमें आप गर्म करके खा भी सकते हो। और पेस्ट्री वगैरह दिखा देता हूँ मैं आपको, ये सब पेस्ट्री, कुकीज़, क्रीम रोल, ये सब आपको यहाँ खाने को मिल जाएगा। देखो अब फाइनली आ जाते हैं भाई फ्रूट्स पे,
फ्रूट्स के बाद जाएंगे वेजिटेबल्स पे। अब फ्रूट्स में आपको बताता हूँ, ये है क्या है भाई, ये नाशपाती। नाशपाती भाई देखो साइज़ कितना बड़ा है नाशपाती का, और नाशपाती कितने का है भाई, अब ये मुझे ट्रांसलेट करके आपको बताना पड़ेगा। साइज़ दिखा देता हूँ आपको, ये है अनार। अनार का साइज़ देख लो, मेरा हाथ अच्छा खासा बड़ा है और उससे भी बड़ा है अनार। ये देखो क्वालिटी चीज़ खाते हैं भाई यहाँ पे। और नींबू का साइज़ दिखा देता हूँ आपको, नींबू इसमें कई तरह के हैं। एक ये छोटा नींबू है, ऑरेंज है, सॉरी ऑरेंज नींबू है, ऑरेंज है नींबू है यार, नींबू थोड़ा हार्ड है इसका। ये देखो ये भी नींबू है, ये भी नींबू है, और एक इतना बड़ा नींबू भी है यहाँ पे देखो, ये भी नींबू है, ऑरेंज वो रखे हैं उसके साइड में। ये नींबू है, मैं आपको हाथ में लेके दिखाता हूँ कितना बड़ा नींबू है ये, क्योंकि ये कल जो हमारे होस्ट हैं मुजीब भाई, उनके फ्रेंड हैं इरफान भाई, उनके साथ मैं लेने गया था, तो ये नींबू था। इस पर लिखा भी तो है लेमन। लो यार मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, देखो लेमन है, लेमन। और लेमन का रेट है 1600 टेंगे, केजी का रेट होगा ये भाई पक्का, क्योंकि इतना महंगा तो नहीं होगा यार यहाँ पे। 1600 टेंगे का केजी का रेट है इसका लेमन का। और ये है वो लेमन, तो और भी मोटा वाला भाई, देखो इतना बड़ा भी लेमन है। ये वाला 900 टेंगे का है, लेकिन इसका क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, मैं इसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ यार, कन्फ्यूज़न क्यों ही छोड़ूँ मैं। तो भाई केजी के रेट हैं ये, 1600 टेंगे पर केजी का रेट है, 240 के आसपास आ रहा है, आप देख लेना। और ये सब केजी के रेट हैं भाई। और एक एप्पल दिखा देता हूँ आपको, देखो एप्पल की सिटी मानी जाती है इसको, छोटे छोटे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एप्पल हैं। और एप्पल बड़े सस्ते हैं भाई, 400 रुपये के जी, वो 400 टेंगे के केजी एप्पल भाई, ये तो बड़े ही सस्ते हैं भाई, ले लूँगा खाने के लिए, काम आएंगे भाई। चलो ये देखता हूँ, ये लेता हूँ मैं 400 टेंगे पर केजी, ये तो बहुत सस्ता हो गया, 80 रुपये कितना हो गया, हाँ 80 रुपये हो गया, 80 रुपये केजी एप्पल मिल रहे हैं आपको ये छोटे छोटे वाले। और ये फ्रूट्स हैं, ये तो भाई मुझे पता नहीं कौन सा फ्रूट है। और ये अनार है देखो, वो अच्छी क्वालिटी का था, ये बेकार वाली क्वालिटी है। और उस अनार का रेट भी आपको बता ही देता हूँ भाई, ये 1925 टेंगे का अनार है, और 1395 का ये नाशपाती है। ठीक है, अब चलते हैं यार वेजेस की तरफ, फ्रूट तो बहुत सारे हैं, वेजेस दिखा देते हैं आपको पहले। वेजेस की वैरायटी कुछ ज़्यादा लग रही है मुझे यहाँ पे। अच्छा फ्रूट इधर भी लगे हैं, एप्पल देखो भाई 750 पर केजी, 750 टेंगे पर केजी, यानी कि 150 रुपये किलो में आपको ये सेब मिल रहा है। सेब की वैरायटी बहुत है, क्योंकि यार एप्पल के नाम से जानी जाती है अलमाटी कंट्री जो है, और एप्पल की वैरायटी ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ये रेट है सबके अलग अलग। ऊपर सब्ज़ी दिखाता हूँ भाई आपको, टमाटर की कितनी वैरायटी है। अबे भाई ये तो कितना छोटा टमाटर है, उससे बड़ा टमाटर है, उससे बड़ा टमाटर है, फिर उससे छोटा भी टमाटर है। देखो काफ़ी तरीके की डिश बनती है यहाँ पे, हर जगह अलग अलग तरीके का टमाटर लगता है। ये खीरे के साइज़ देख लो भाई, एक साइज़ ये है खीरे का, एक साइज़ ये है, एक साइज़ ये है। ये खीरा 1800 टेंगे पर केजी है, ये 1250 टेंगे पर केजी है नीचे वाला, और ऊपर वाला 1130 टेंगे पर केजी है। आप आइडिया लगा लेना, कन्वर्ट करते रहना, मैं कन्वर्ट करने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब पीछे की साइड से और वेजेस दिखा देता हूँ आपको, एक टमाटर रह गया भाई छोटा सा, ये देखो ये छोटा सा टमाटर रह गया, देखो भाई मेरे हाथ के बराबर टमाटर है, इसका टेस्ट मुझे नहीं पता कैसा होगा। और इसका रेट है ये रहा 1650 रुपये, और 1650 टेंगे पर केजी का रेट है इसका। और एक टमाटर ये बेहुदा कलर का भी है, ये देखो, और ये महंगा भी है भाई, ये टमाटर महंगा है यार, 2400 टेंगे का है भाई, 2400 टेंगे का पर केजी ये वाला, और जो इसके ऊपर वाला है 1925 का पर केजी। ये कैसा टमाटर है भाई, ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये टमाटर देखो, ये तो येलो टमाटर तो खैर हमारे यहाँ कोई लेता भी नहीं, लेकिन यहाँ पके हुए हैं, ये कच्चे नहीं है, हमारे यहाँ कच्चे होते हैं इस कलर के। और ये छोटा छोटा तो ऐसा लग रहा है टमाटर भाई, बेरी की तरह, इसे तो उठाओ और फटाफट से खा जाओ। इसके पीछे भी वेजीज हैं, शिमला मिर्च, बहुत बड़ी बड़ी शिमला मिर्च रखी है पीछे की तरफ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सब्ज़ियाँ काफ़ी फ्रेश हैं यहाँ पर, इसका रेट दिखाया था आपको 1600 पर केजी, 1600 टेंगे पर केजी की है ये आपकी शिमला मिर्च। और साइज़ लो, साइज़ तो पूछो मत, अब तो मेरा हाथ भी छोटा पड़ गया, आपको मेरा हाथ नहीं दिख रहा होगा लेकिन खाली शिमला मिर्च दिख रही होगी। ये देखो भाई अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा उड़ते हैं। ग्रीन वाली भी साइज़ ज़्यादा छोटा नहीं है, ग्रीन वाला तो हमारे यहाँ भी मिल जाता है इतने बड़े बड़े साइज़, लेकिन क्वालिटी जो है ये देखो, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर नहीं यार, कॉलीफ्लावर तो वो रही आपकी है, ये सलाद के लिए यूज़ की जाती है। देखो ये भी भाई 1500 टेंगे पर केजी के हिसाब से मिल रही है आपको ये।
उसके बाद बैगन हो गया, ये बैगन मिल रहा है आपको 1720 टेंगे पर केजी का, ये कैरेट है। और ये है भाई, ये क्या है, पत्ता गोभी, ये कौन से कलर की पत्ता गोभी है भाई, ये बड़ी सस्ती है, 219 टेंगे की पर केजी, बड़ी सस्ती है भाई गोभी ये वाली। और एक पत्ता गोभी इनमें एक ये वाली आती है, देखो थोड़ी लंबी आती है, यहाँ पे हमारे उधर गोल चलती है इंडिया में, यहाँ लंबी है। और ये है घिया, घिया आपका पड़ रहा है भाई 780 टेंगे पर केजी का। अब भाई मैं थक गया बताते बताते, आलू और प्याज का और बता दूँ, बस कहानी ख़त्म मेरी। भाई प्याज का रेट है 98 टेंगे पर केजी का, और छांटो बीनो वाला हिसाब है भाई, यहाँ भी छांटो बीनो। और आलू, ये रहा आलू है 164 टेंगे पर केजी का, आलू महंगा प्याज से भाई, देखो छांटो बीनो बहुत बढ़िया आलू है, ये देखो नया आलू है, वैसे तो ये नया आलू है, टेस्ट भी अच्छा होगा इसका। अब आ गए भाई लिक्कर की तरफ, लिक्कर की तो वैरायटी दिखा दूँ मैं आपको, रेट दिखा देता हूँ इधर, मेरा तो कोई लेना देना है नहीं इससे। अब मेरी ये बात समझ में नहीं आती यार, लिक्कर इतनी वैरायटी में बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं सब समझ में आता है मेरा। ये वोडका है, इसका रेट मैं दिखाता हूँ आपको, 2400 टेंगे की बॉटल है ये वाली, और 2400 की एक कोई सी है, और ये वाली जो रो है ये वाली देखो, ये मुझे नहीं पता ये वाइन है क्या, ये इन सब के रेट ये लिखे, ये रेट हैं आप देख लेना पॉज करके। और ये बॉटल है ठीक है, ये जो बॉटल है इसके रेट हैं 1325 और 1429 ठीक है। और ये जो वोडका है इसके रेट हैं 2395 2480 ठीक है। और ये जो मैतरमा ने जो निकाली है बॉटल, इसके अंदर से टूट गई तो भरने पड़ेंगे पैसे, ध्यान रखना, बार बार निकाल के वीडियो कॉल पर तो दिखा रही हो, घर में जाके पियोगी। ये जो है इनके रेट ये हैं भाई, देखो इसके रेट हैं 17200 टेंगे, 12400 टेंगे, 15300 टेंगे, ये महंगी है भाई, पुरानी होंगी इसलिए महंगी है भाई, इसमें यही सीन होता है, जो जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी होती जाती है, ऐसी होता है भाई। इसमें बहुत सारी वैरायटी की है, बियर की कैन भी हैं। अच्छा यहाँ पे उसका रेट देखता हूँ भाई मैं, गोरिल्ला का, अगर गोरिल्ला दिखती है ना, एनर्जी ड्रिंक होती है, तो उसका रेट देखता हूँ, क्योंकि आज मैंने ख़रीदी थी और लोकल के भी रेट पता है मुझे उसके, और उसके भी रेट पता है मुझे, गोरिल्ला ट्राई करते हैं मिलती है तो। कोका कोला की एक बोतल का रेट है 620 टेंगे, यानी कि 112 रुपये के आसपास, 2 लीटर का पैकेट है, एक बोतल 2 लीटर की है, और 620 टेंगे की पड़ रही है ठीक है भाई, देख लेना 112 रुपये की, अपने वहाँ कितने की पड़ती है देख लो। ये है भाई एनर्जी ड्रिंक है, ये फोर्सेज है, इसमें फ्रूट फ्लेवर लिखा हुआ है, मैंने तो कभी ट्राई नहीं करी, मैंने तो खाली वही ट्राई करी थी गोरिल्ला, वो मुझे दिख नहीं रही यहाँ पे। और ये देखो भाई कैंडी, कैंडी की वैरायटी, कैंडी चॉकलेट के लिए तो पागल हैं भाई यहाँ के लोग, ये देखो कैंडी के रेट हैं, ये किलो के रेट होंगे पक्का ये, हाँ ये देखो, हाँ किलो के रेट हैं, 2640 टेंगे पर केजी के रेट हैं, ये देखो 2160 केजी टेंगे के रेट हैं, चॉकलेट हैं और ये कैंडी हैं, बहुत सारी वैरायटी, यहाँ से पकड़ो, यहाँ पे वज़न करो, जितनी चाहिए उतनी लेके निकलो यहाँ से। लो भाई आगे दूध, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होती है, अब हम उस सेक्शन पे आ गए दूध में। दूध में देखो वैरायटी कितनी सारी है, इतनी सारी वैरायटी दूध की है भाई, ये देखो 579 टेंगे का है आपका 1 लीटर का, ये 3.2% का है भाई, इसमें परसेंट के हिसाब से रेट होते हैं, तो ये 1 लीटर का पैकेट है 579 टेंगे का, तो 100 रुपये के आसपास हुआ हमारे हिसाब से ये। ये देखो टेट्रा पैक में आता है और काफ़ी गाढ़ा दूध है भाई, हिल भी नहीं रहा, टेट्रा पैक की वैसे भी नहीं हिल रहा होगा, तो 100 कुछ रुपए का इंडियन में आपका ये दूध हो गया ये वाला। तो दूध भाई एक ये वाला है मिल्कोबो, ये वाला है आपका 559 टेंगे का ठीक है। और दूध की तो काफ़ी सारी वैरायटी है, देखो नीचे आप देख लो, ये पर लीटर के हैं, और लेकिन इसमें जो परसेंटेज होती है उसके हिसाब से ग्रेडिंग होती है इसकी, उस हिसाब से रेट होते हैं। हाँ चॉकलेट मिल्क है भाई, हर तरह का मिल्क मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, सारे मिल्क की वैरायटी है देखो, ये सब मिल्क की, ये ऊपर चीज़ है, बोतल में भी मिल्क है भाई, देखो ये रहा प्लास्टिक की बोतल है, मुझे लगा हाथ लगाऊंगा टूट ना जाए, ये देखो ये भी मिल्क है, 622 टेंगे 2.5%, मोस्टली यहाँ पे 2.5% का मिल्क है। और ये कितना है भाई, 600 ml है, ये 600 ml है, 1 लीटर लग रहा है मुझे तो, ये पूरा 100% प्योर लिख रखा है और 2.5% है, और इसमें लिखा हुआ है कैलोरी वगैरह जो है वो सब लिखी हुई है इसमें, 1 लीटर लग रहा है भाई, 1 लीटर की बोतल तो है ये, 500 ml की तो है नहीं, ये सब दूध है भाई, पूरा सेक्शन दूध का है, इधर भी दूध है, इधर भी दूध है, दूध ही दूध है भाई।
भाई घोड़े ऐसा बनना है तो घोड़े का दूध तो पीना पड़ेगा ना आपको। ये देखो ये घोड़े का दूध है, 1 लीटर है भाई, 1050 टेंगे का। ज़्यादा महंगा तो नहीं है भाई, बस उस गाय के दूध से डबल रेट का है। घोड़े का दूध, घोड़े का दूध पियो, घोड़े की तरह बन जाओ। ये देखो सब घोड़े का दूध है, ऊपर से लेके नीचे तक का सब घोड़े का दूध है। ये गाय का क्या है भाई, ये कुछ कर्ड वगैरह होगा, योक, हाँ 20%, हाँ ये कर्ड है, ये गाय के दूध की कर्ड है। अभी मक्खन का और रेट देखता हूँ, मक्खन अगर मिल जाए मेरे को तो मक्खन भी खाओगे ना आप यहाँ पे आओगे तो, मक्खन देख के बताता हूँ आपको। भाई ये आ गई सारी चीज़ की वैरायटी, छोटे पैकेट से लेके बड़े पैकेट तक है, मैं इसका बता देता हूँ आपको। ये देखो ये चीज़ है पूरा प्रॉपर चीज़, और ये 20% कोई क्वालिटी है इनकी। 3091 टेंगे का है, 350 ग्राम, ठीक है, उस हिसाब से पूरे आपके चीज़ के बंडल हैं। ये देखो ये भी है भाई, ये भी चीज़ है पूरा भरा हुआ, ये केजी का रेट है भाई, केजी का है 6265 पर केजी टेंगे। मक्खन की वैरायटी आ गई सारी, ये सबके रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि ये सबका वज़न अलग अलग है। तो एक मैं आपका सैंपल दिखा देता हूँ, ये 72.5% और 200 ग्राम का पैकेट है, और इसका रेट है 859, यानी कि ये 150 रुपये 200 ग्राम का भाई मक्खन हो गया आपका। ये तो मक्खन की भी वैरायटी कम नहीं है भाई, देखो सारी मक्खन मक्खन है भाई, इसमें सारा मक्खन है। ये देखो साइज़ के हिसाब से अलग अलग बार लगी हुई है यहाँ पे, क्वालिटी के हिसाब से। एक इसमें 80 रुपये से मक्खन स्टार्ट हो जाता है सबसे सस्ता, और वो आधी किलो की टिक्की होती है 80 रुपये की, वो सबसे सस्ती है, लेकिन सुना है मैंने टेस्ट कम होता है उसके अंदर। नूडल्स में काफ़ी वैरायटी दिख रही है मेरे को, रेडी टू ईट भी दिख रही है और वैसे भी दिख रही है। एक तो किमची भी है इसमें, रामेन भी है, ये देखो ये रही किमची, कोरियन नूडल्स भी है। मुझे देखनी है भाई मैगी कहाँ है यहाँ पे, ये देखो ये सारी मैगी में चिकन भी डाला हुआ यार, और क्या लोगे, रेडी टू ईट है, गर्म पानी डालो सीधा खाओ, ये सब उसके मसाले हैं, लेकिन मैगी नहीं दिख रही भाई। इधर देखता हूँ शायद मिल जाए, पास्ता वगैरह तो सब लिखा हुआ है, चलो पास्ते का रेट बता देता हूँ आपको। ये तो वो है मैक्रोनी, 380 टेंगे का एक पैकेट है 400 ग्राम का, ठीक है, और 425 टेंगे का पैकेट है 400 ग्राम का मैक्रोनी का। पास्ता किधर है, पास्ता ये रहा, 425 का टेंगे का 400 ग्राम का पैकेट, ठीक है। और क्या है भाई, मैगी नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, दिखेगी कहीं ना कहीं छुपी हुई होगी भाई, मैगी नहीं दिख रही है, रोल्टन दिख रहा है यहाँ पे, इसमें चिकन मैगी है, लेग पीस तो नहीं मिलेगा इतना बड़ा, छोटे छोटे पीस होंगे इसके अंदर चिकन के। मैगी नहीं दिखी भाई, सॉरी मैगी का रेट नहीं बता पाया मैं, अगर जाने से पहले दिख गई तो मैं बता के ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि आप सबसे जल्दी बनाने वाली मैगी तो खाओगे। अब सब जो आते हैं यहाँ पे सब नॉनवेज थोड़ी ना खाते हैं, वेज भी होते हैं, तो मैगी होनी चाहिए भाई ज़रूर, मेरे पकड़ में नहीं आ रही है अभी, आएगी ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। मैगी का सेक्शन तो यार ये वाला है, लेकिन यहाँ पे मैगी के मसाले हैं सारे, मैगी की नूडल नहीं दिख रही मेरे को, ये सारे सॉसेज है, टोमेटो सॉस, लेकिन यार यहाँ पे वो नहीं दिख रही मेरे को मैगी की नूडल। चलो सॉरी यार, मैगी नहीं दिखा पाया मैं आपको रेट। दोस्तों आपको अगर किसी भी चीज़ का रेट पता नहीं लग रहा ना, तो ये यहाँ पे बारकोड की मशीन लगी हुई है, इसमें बारकोड लगा हुआ है, उसको यहाँ पे लेके जाओ नीचे, और ये देखो इसने बता दिया 689 टेंगे का पैकेट है पूरा, ये देखो ये 689 का, वैसे देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने आपको जस्ट एक करके दिखाया, जैसे कभी कभी किसी का रेट वहाँ लगा नहीं होता, यहाँ पे लगा के आप चेक कर सकते हो। अरे हाँ यार, पानी यहाँ पे महंगा है, पानी बता दूँ मैं आपको, पानी का बोतल कितने की है यहाँ पे, पानी यहाँ पे थोड़ा महंगा है, आप ये देखना है, 1.5 लीटर की बोतल है 365 टेंगे की, 365/5 कर लो तो ये आपका हो गया 660 रुपये की, 660-665 रुपये की बोतल है भाई 1.5 लीटर की। तो देखो पानी थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे, और बड़े जार ले लेना आप। वैसे तो आप पानी की बोतल लोगे क्यों यार, आप आओगे तो अपने आराम से एंजॉय करना, पानी का रेट बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मार्केट से भी पानी खरीदोगे तो इससे महंगा ही मिलेगा, ये तो बड़ा होलसेल का मार्केट में लेकर आया हूँ मैं आपको, इसलिए सस्ता है, ये तो बाहर तो बड़ा महंगा पानी की बोतल मिलती है, मेरे ख्याल से 50 रुपये इंडियन के 0.5 लीटर पानी मिलता है बाहर। तो मैं यहाँ पर आया था यार गोरिल्ले की पेटी देखने, लेकिन मुझे दिख नहीं रही भाई, गोरिल्ला बेचते नहीं है मुझे लग रहा है ये, या गोरिल्ला वाले इन्हें देते नहीं है, बेचने के लिए कुछ भी हो सकता है। एनर्जी ड्रिंक का काउंटर मिल गया भाई मेरे को, ये देखो सारी एनर्जी ड्रिंक हैं, गोरिल्ला, हाँ गोरिल्ला लिखा हुआ है लेकिन अंदर गोरिल्ला तो नहीं है। अब गोरिल्ला कहाँ गई, यहाँ का फेमस है मुझे लग रहा है, यहाँ दे नहीं रखा भाई गोरिल्ला। देखो यहाँ पे फ्लैश एनर्जी करके सारे हैं, सारे ब्रांड हैं यहाँ पे, देखो ये सब एनर्जी है, रेड बुल तक है यहाँ पे, रेड बुल का रेट बता दूँ आपको, रेड बुल है भाई आपकी
1019 टेंगे की। तो ये तो यार 200 कुछ रुपए की हो गई। ये देखो ये वाली 1019 टेंगे की है भाई। देखो अब गोरिल्ला सामने तो रखी है भाई, येरी गोरिल्ला भाई, मिल्की गोरिल्ला। ये मैंगो वाली फ्लेवर 460 टेंगे की है। अबे भाई कितनी सस्ती है यार यहाँ पे 460 टेंगे। और मैंने 800 टेंगे की एक बॉटल ली, एक कैन ली थी, लेकिन मैंने शिम्बुलाग में ली थी, वहाँ तो यार महंगा ही मिलेगा। तो 460 डिवाइडेड बाय 5.5 कर लीजिए तो 90 रुपये के आसपास आएगा आपका रेट। 90 रुपये की गोरिल्ला मैंने ली थी भाई वहाँ पे। कितने की ली थी? 800 टेंगे की, 100 कुछ रुपये की ली थी, 160 रुपये की। तो देख लो भाई कितना फ़र्क है। तो गोरिल्ला में मैंगो फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है इसका। और ये डिजी भी बहुत चलती है यहाँ पे भाई। ये भी एनर्जी ड्रिंक है, आप इसको कुछ गलत मत समझना, एनर्जी ड्रिंक है। और मैंने बस में ना ये भी पीते हुए देखा लोगों को, ये सारी एनर्जी ड्रिंक है। इसमें क्या है, बस एक बार खुल गई तो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। और ये वाली बॉटल जो है इनको पीते रहो। और विटामिन सी है इसके अंदर, देखो जरा, इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा पीते हैं इसको, विटामिन सी है इसके अंदर। ये 336 टेंगे की है भाई। और इसमें कितना है ml, 500 ml है ये, 500 ml, 336 टेंगे, मतलब 60 रुपये के आसपास ही पड़ी आपकी है भाई। ये क्या है, पॉपकॉर्न कलरफुल? कलरफुल पॉपकॉर्न तो मैंने पहली बार देखे हैं भाई। ये देखो मल्टी कलर के हैं, और एक ये थोड़े येलो कलर के हैं। ये कलरफुल पॉपकॉर्न है भाई, देखो मज़ा आ गया, कुछ यूनिक दिखाया मैंने आपको। देखो ये पॉपकॉर्न है दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया, आपको काफ़ी चीज़ें बताई मैंने, रोज़मर्रा की चीज़ों के रेट भी बताए। और बस यार एक मैगी रह गई, वो मुझे मिली नहीं। और क्या रह गया, बाकी सब तो मैंने बता ही दिया आपको, मैगी के रेट रह गए बस। मैगी भी यार अपने इंडिया वाले प्राइस में होगी, यहाँ पे ज़्यादा मैगी नहीं होगी। और मेरी मेहनत के लिए क्या करना है आपको, एक नीचे जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो। जो कजाकिस्तान अलमाटी में स्टूडेंट रहने के लिए आ रहे हैं उनको काफ़ी मदद करेगी उनको बजट बनाने के लिए, क्योंकि भाई रोज़मर्रा की चीज़ें ये तो चाहिए आपको। और कुछ वैसी चीज़ें भी दिखाई है मैंने आपको जो आपको महीने में एक बार या दो महीने में एक बार भी चाहिए। तो मेरी मेहनत को सफल करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो अगर लेटेस्ट अपडेट मेरे लेना चाहते हो तो। तो मैं तो भाई आपका साथ चाहता हूँ, आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, और वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।